आज मैं लेकर के आई हूँ मटर की ऐसी रेसिपी जो आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर मटर उबाल करके ले लिया है। यदि आप चाहे तो कच्चा मटर को भी ग्राइंड करके ले सकते हैं। मैं उबाल ली हूँ इसको। इस तरह से हाथ से जब दबाऊँगी तो अच्छे से दब जाएगा। यदि आप चाहें तो मैशर से भी इसको मैश कर सकते हैं, लेकिन पूरा मैश नहीं करना है। यहाँ पे मैं रख दी हूँ गैस पे पैन, उसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा एकदम तेल। यहाँ पे मैं ले रही हूँ धनिया का पत्ता, प्याज, हरा मिर्च और लहसुन अदरक। इसको मैं डाल दूँगी, लहसुन अदरक और हरा मिर्च छोटे छोटे टुकड़े में काट ली हूँ। जब ये हल्का ब्राउन हो जाएगा उसके बाद मैं डाल दूँगी प्याज। प्याज को सिर्फ ब्राउन नहीं करना है, इसमें इसका जो मॉइस्चर होता है उसको निकाल लेना है। उसी तरह से फ्राई कर लेना है एकदम हल्का। जब फ्राई हो जाएगा उसके बाद मैं मटर डाल दूंगी इसमें। मटर तो पहले से ही उबाल करके रखी थी, तो इसको ज़्यादा फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखते जाइए मैं किस तरह से बना रही हूँ। बहुत यूनिक स्टाइल है, बहुत अच्छा से बनता है ये, और बहुत बच्चों को तो फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है। मैं इसमें डाल दूँगी हल्का सा मिर्चा पाउडर और हल्का सा हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक भी डाल दें। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी थोड़ा सा धनिया का पत्ता जो मैं दिखाई थी, और इसको अच्छे से 5 मिनट तक भून लूँगी। और देखिए मैं भुनने के बाद दिखा रही हूँ कितना अच्छा से ये भुना चुका है। और इसी स्टेप जो मैं गैस करूँगी बंद और इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप, बड़े वाला कप से 1 कप मैदा। इसमें मैं डालूँगी 2 बड़े चम्मच तेल, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ले ली हूँ अजवाइन, और इसको क्रश करके डाल दूँगी। और थोड़ा सा मैं डाल दूँगी नमक, और इसको अच्छे से मैं फेंट लूँगी। इसको मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप मिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा कि खस्ता नहीं बनेगा, जो हम लोग बनाने जा रहे हैं नमकीन वो खस्ता नहीं बनेगा। तो इसीलिए इसको मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। और इसको आटा की तरह, जिस तरह आटा सानते हैं ना, उसी तरह से आटा की तरह गूंथ लेना है। मुझे इसको मिक्स करने में 5 से 10 मिनट लग गया था, इसीलिए थोड़ा मैं बोल रही हूँ कि हाँ अच्छा से मिक्स। और यहाँ पे मैं छोटे छोटे बॉल की तरह बना ली हूँ। देखिए किस तरह से छोटे छोटे बॉल ही बनाना है, जिस तरह से रोटी बनाते हैं ना, उसी तरह से रोटी की तरह बना देना है गोल। लेकिन रोटी थोड़ा मोटा पतला हो जाता है, लेकिन इसमें वो नहीं चलेगा, इसमें एकदम पतला रहेगा। जितना पतला आप बेलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, और परफेक्ट बनेगा, कुरकुरे बनेगा, खस्ता बनेगा। तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ये रोटी बना रहे हैं ना, उसको एकदम पतला रखिएगा। और जो मैं फिलिंग बनाई थी ना, उसको मैं इसी में रख दे रही हूँ। और इसमें क्या करना है, चाकू की सहायता से बीच बीच में कट करना है, पूरा कट नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, पूरा कट बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप पूरा कट कर देंगे तो क्या होगा कि बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा ही नहीं, बनेगा नहीं, फट जाएगा। तो इसलिए देखिए मैं किनारे के साइड से छोड़ दे रही हूँ, और बीच बीच में इस तरह से कट लगा रही हूँ। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ कटोरी में थोड़ा सा पानी, और इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा मैदा 1 चम्मच के करीब। इसको एक घोल तैयार कर लूँगी। और किनारा किनारा है ना, उसी किनारे के साइड में मैं जो घोल बनाई थी उसी को लगा दूंगी, क्योंकि इसी तरह से मैं चिपकाऊंगी तो ये खुल जाएगा तेल में। अभी तो चिपक जाएगा, लेकिन तेल में जाते समय एक खुल जाएगा, तो मेरा सारा डो इसी में फैल जाएगा और पूरा फिलिंग बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको अच्छे से चिपका दे रही हूँ। और फिर से इसको क्या करूँगी जी, फोल्ड कर दूँगी। इसमें थोड़ा सा और जो घोल बनाई थी उसको थोड़ा थोड़ा लगा दूंगी किनारे किनारे, और उसके बाद इसको फिर से पलट दूंगी। देखिए मैं किस तरह से पलट रही हूँ, और ये अपने आप ही चिपकेगा, इसमें कोई झंझट नहीं लगेगा। देखिए कितना यूनिक स्टाइल से बन चुका है। इस तरह से आप अपने बच्चों को बना करके खिलाइए, बहुत प्यार से खाएंगे और वो तो तारीफ बहुत करेंगे। बहुत यूनिक स्टाइल है, बहुत अच्छा से बन जाता है। तो मैं इसी तरह से सारे बना करके तैयार कर ले रही हूँ। देखिए मैं पूरा कट नहीं की हूँ, और इसी तरह से लगा करके पानी वाला डो इस तरह से पूरा चिपका करके और पूरा फिलिंग बना करके तैयार कर ले रही हूँ।
देखिए कितना अच्छा से मेरा बन चुका है, नमकीन एकदम खस्ता बनेगा, कुरकुरे बनेगा। यहाँ पे मैं रख दी थी कढ़ाई, और कढ़ाई में भी तेल गरम हो चुका है, और मैं इसमें डाल दूँगी जो बनाई थी वही। और इस सचमानी बहुत अच्छा लगता है, एक बार बना करके आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि हाँ एक कैसा बना है। और इसी तरह से हल्का हल्का चलाते हुए इसको उलट पुलट करके अच्छे से पका लूँगी। ये अभी तो दिखने में इस तरह से लग रहा है, जब ये पूरा बन करके तैयार होगा तो आप लोग भी बोलेंगे कि वाह कितना अच्छा है और बहुत कुरकुरे बनता है। यदि आप अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे ना तो ये कुरकुरे नहीं बनेगा, और एकदम जिस तरह से मेरा कुरकुरे हो रहा है ये नमकीन, उस तरह से शायद आप लोगों का ना हो। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि हाँ इसको अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। मैं 5 से 10 मिनट का तक इसको अच्छे से मिक्स की थी, और देखिए मेरा बन चुका है नमकीन। इसी तरह से मैं सारे बना करके तैयार कर ले रही हूँ। अब मैं इसको तोड़ करके भी दिखाऊंगी कि हाँ अंदर थोड़ा भी इसमें तेल नहीं गया है, और देखिए बन चुका है कितना यूनिक स्टाइल में। और बच्चे तो बहुत प्यार से खाते हैं, और देखिए थोड़ा भी इसमें तेल नहीं गया है अंदर। और इसी तरह से आप लोग भी बना करके ज़रूर खाइए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुरकुरे लगता है।